So in my recent videos, someone has asked, tell us more about placement in LPU. What is the minimum CGPA that is required to sit in all placement interview? What is the placement criteria and how many students get placed? LPU mein kitne log ka placement ho jata hai? So if you go to Google and search placement at LPU, so you'll see many articles. LPU BTEC engineering student placed 64 lakh package at Google. Over 10,000 offer made in recent years by top recruiters. 500 plus companies offer 5 lakhs package or above. LPU record highest number of offer in the countries with the top MNCs like Cognizant. But how true is it? So in this video I'm talking about LPU placements. वहाँ की placements कैसी है? क्या सच में वहाँ पर सारे student place हो जाते हैं? और वहाँ की placements का criteria क्या है? और वहाँ पर placement की preparation कब से start होती है? So अगर आप channel पे नए हो, तो मैं अपने बारे में बता दूँ. My name is Siraj Jaitari. I am from CSE department. So video को start करते हैं. तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उनका लड़का इतने बड़ी कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसका प्लेसमेंट किसी अच्छे से कंपनी में होना चाहिए. और हर एक स्टूडेंट का भी यही सपना होता है कि उसका पैकेज 1 करोड़ का लगना चाहिए. तो मेरा भी सपना कुछ ऐसा ही था. अब जब मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा था तो मैंने LPU के प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत सुना था. मैंने इसके बारे में रिसर्च भी किया कि यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी है. तो जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि एक लड़की का 42 लाख रुपीज़ का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट में लगता है. और ये सुनने के बाद My mind is like. तो यार एक मिडिल क्लास का लड़का जब इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ता है तो ये जरूर सोचेगा कि मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या मुझे रिटर्न उतना मिलेगा या फिर नहीं. और उसके मन में ये सवाल आते रहते हैं कि इसकी एवरेज प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगी कंपेरिजन टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी. क्या सच में इसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी या फिर नहीं. तो यार मैं बता दूं, जो इसकी एवरेज प्लेसमेंट है ना यूजली हाई होती है अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कंपेरिजन में. अगर आप बात करोगे तो इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट है अगर मैं रियलिटी में बताऊं तो 5 से लेकर 7 लाख के बीच में लाई करती है और जो कि अच्छी है. सो अगर हम बात करें LPU के हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में, सो इन दिस ईयर LPU स्टूडेंट गेट प्लेस्ड एट गूगल विद 64 लाख रुपीज पैकेज. इज दैट रियली ट्रू? द आंसर इज यस इट इज. सो इन दिस वीडियो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर योर प्लेसमेंट एग्जाम, बट मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट गेट प्लेस्ड इन LPU and much more. बात करते हैं LPU में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, कितने परसेंट स्टूडेंट उसमें प्लेस हो जाते हैं. तो यार ये सवाल ना सबके मन में होता है एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन लेने के बाद भी. और जब इस सवाल का उन्हें जवाब नहीं मिलता है स्टूडेंट को, तो वो जाके गूगल पे ऐसा सर्च करते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट गेट प्लेस इन LPU, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट इन LPU. तो यार आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी वेबसाइट पे आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. कितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं और कितनी कंपनियां विजिट की, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी. बट अगर आपको ये जानना है कि भैया कितने परसेंट स्टूडेंट प्लेस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं रियलिटी तो 80-90% स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं. बट प्लेसमेंट उन्हीं की लगती है, प्लेसमेंट में वही बैठते हैं जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन में रजिस्टर किए होते हैं, जो इसका फॉर्म फिल किए होते हैं. तो भैया बहुत लोगों का ये सवाल था कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कब से होता है. तो मैं आपको बता दूं प्लेसमेंट प्रिपरेशन ना आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ सेमेस्टर से. बट यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से चीज़ें बताना स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड. जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको सॉफ्ट स्किल PEB और PL जैसे सब्जेक्ट मिलेंगे जिनमें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी वोकैबुलरी, आपकी इंग्लिश ये सब इंप्रूव कराएंगे. और आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही देना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि किसी भी कॉलेज में मुझे नहीं पता कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये सब सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देते हैं या फिर नहीं. सो प्लेसमेंट एट LPU हैव बीन सो गुड इन दिस ईयर बिकॉज इस साल का जो प्लेसमेंट है ना को सभी साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 64 लाख रुपीज यार, इट्स अ बिग अमाउंट है ना. सो फाइनली वी आर बैक. सो यार इन माई कमेंट सेक्शन मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन था कि भैया 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज ऐसा भी कुछ सीन है क्या LPU में. तो यार मैं बता दूँ आपको CSE ब्रांच में तो आज से कितना पैकेज नहीं लगा है. जो हाईएस्ट पैकेज वो इसी बार लगा है 64 लाख का जो कि गूगल में एक स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ है. बट अगर आप 1 करोड़ की बात करोगे तो यार 1 करोड़ का पैकेज लगा है बट किसी और फील्ड में लाइक एग्रीकल्चर फील्ड में 1 करोड़ का पैकेज लगा है. बट 2 करोड़ का ऐसा कोई सीन नहीं है LPU में. तो फेक न्यूज़ पे आप बिलीव मत करो, मैं आपको ट्रूथ बता रहा हूँ. सो दैट्स अ ट्रूथ. सो इन लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि कीप डूइंग द वर्क एंड कीप शोइंग अप बिकॉज हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी द टाइम वुड कम.
So this is Zeros who currently editing this video. So I have something share with you. Like in my comment section, someone is asked, भैया what is the minimum CGPA that required to sit in an interview and placement. So मैं आपको बता दिया, अगर आप LP के scenario से देखोगे ना, तो आपका जो minimum CGPA है like 5.5 CGPA के above रहना चाहिए और no backlog. ठीक है, अगर आप एक student के scenario से देखोगे तो यार आपका जो CGPA, अगर आप 7 CGPA maintain करके रखोगे तो यार that's good for you. Like you are shortlisted for good companies और आपको अच्छी कंपनी में placement मिलेगी और आप placement seat में बैठ पाओगे, मतलब एक अच्छी कंपनी के लिए. तो आप 7 CGPA के ऊपर रखो. और LP वैसे बोलता है कि 5.5, but 5.5 it's not good, so 7 CGPA is good, so that's it. So let's back into the video. So I'm back again. So this is all about placement यार. अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दे दूंगा. और हाँ, मैं आशा करता हूँ कि सबकी प्लेसमेंट लग जाए और किसी अच्छे से कंपनी में लगे और सबकी पैकेज हाई लेवल का हो और सब खुश रहें यार. सो गर्मी बहुत है और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं. धन्यवाद यार. और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपके एक वीडियो शेयर करने से, एक लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं और सारे वीडियो बनाऊंगा. तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking grin.